तेरे जहात राए ग्यार दियो देसा का दिया सोहावी दे दियो क्या वो मोह हनुमान ज्ञान गुण सागर जय अभीष तिहार फोलो मा को फूले बाड़ो फूले मा बूरा से बाड़ो मैनो मा को मैनो बाड़ो मैनो मा राम भगवान सीता से हृदय बसर सुरभू फर्स्ट गॉड मम्मी डैडी सेकंड गॉड गुरु education working राम राम भाई सभी को गुड मॉर्निंग। देवभूमि उत्तराखंड के हिमालय की इन प्यारी वादियों से ये बैक एंड साइड में जो आप मेरे देख रहे हैं ये सारा बुरांस के वृक्ष है इधर पे और जो ये सारी वादियां हैं यहाँ से 360 व्यू दिखता है। ये जो जगह है ये है कालीशिला जो कि कालीमठ से 6 किलोमीटर का यहाँ के लिए ट्रैक चढ़ना पड़ता है जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में पड़ता है और मैं यहाँ पे कल शाम का आ चुका हूँ और यहाँ का आपको जो व्यू दिखेगा वो पूरा 360 व्यू आता है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको अभी अभी तो थोड़ा यहाँ पे पेड़ है। अगर हम शिला के पास जाते हैं जहाँ पे काली शिला है तो वहाँ से पूरा प्रॉपर व्यू दिखता है। अभी जो सनराइज़ है वो हो चुका है, देख सकते हैं सामने आप। अभी 6 बज रहे हैं और यहाँ पर 6 बजे ही सनराइज़ हो गया है। बाकी जो ये व्यू देख रहे हैं यहाँ पर देखो कितना शानदार व्यू है। इन टेंटों में मैं रहा था आज और ये चारों तरफ का नज़ारा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ वादियाँ दिख रही। ठंडा पानी है गर्म किसमें ठंडा पानी ठंडा है ला भैया पतीला दे दे हाँ फ्राई पैन भी दे दे छोटा बड़ा पन लिया यार टोकरी में देना भूखी भूखी कहाँ है वो कौन ये
रेश इधर देख गुड़िया देख नहीं रहे चारों लोग। अच्छा अच्छा भोलेनाथ की बाउंड्री बीच में भोलेनाथ बैठे। अच्छा अच्छा ये जो सामने मतलब कैलाश की तरह जो दिख रहा है। अच्छा बोल बल्ले ने बीच में बैठे नहीं। अच्छा तो महाराज जी इसके लिए बोल रहे हैं भाई, ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे पूरा बर्फ से ढकी पहाड़ी है, बीच में एक ऐसा लग रहा है जैसे महादेव बैठे हैं, चारों तरफ बिल्कुल बर्फ के ऐसे ऐसे वो टीले टाइप के पहाड़ बड़े बड़े, उसी को बोल रहे हैं महाराज जी आप हैं? उसी को बोल। अच्छा अच्छा कैसे ऐसे लग रहा है ना जैसे सेम टू सेम बैठे। अच्छा कैसे ऐसे बिल्कुल आसन में। अच्छा सो मैं नहा के हो चुका हूँ रेडी, और ये जो टेंट है बैक एंड साइड में इसमें रुका था मैं रात को। जो ये टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे आजकल, ये सिर्फ आजकल ही लगे हैं यहाँ पे, वैसे ऐसे वाले टेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कुटिया हैं बाबा जी की जो यहाँ पे रहते हैं, और माता जी जो रहती है वो नीचे रहते हैं, और जो मंदिर है बैक एंड साइड में आप देख रहे हैं बस यही है यहाँ पे। बाकी जो ये कुटिया ये टेंट लगे हैं आजकल, ये कैंपस नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये टेंट आजकल इसलिए लगे हैं 3-4 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे भंडारा होने वाला है। जो पिछले यहाँ पे बाबा जी रहते थे पहले, तो उन्होंने जिस डेट को समाधि ली थी तो यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना होगी, तो इस वजह से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही। और ये देख सकते हैं खच्चर वगैरह भी आ रखे हैं इनके ऊपर, अभी सामान लेके आए नीचे से सब्जियाँ वगैरह, इसलिए टेंट वगैरह लगा रखे, नहीं तो अदरवाइज ये टेंट वगैरह नहीं लगे होते यहाँ पे। अगर आप आओगे शायद जिस टाइम पर आप आओगे तो उस टाइम पर सिर्फ आपको कुटिया मिलेगी नीचे, और जो मंदिर अगर आपको दिख रहा होगा सामने तो वही दिखेगा आपको, काली शिला दिखेगी उस मंदिर के नीचे। बाकी ये वाला व्यू अभी का है यहाँ पे, अभी फुल धूप आ चुकी है, और मैं चलता हूँ अब नीचे की तरफ, नीचे आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ और जो कुटिया है बाबा जी की वो दिखाते हैं, तो चलते हैं नीचे। सो ये है बाबा जी की कुटिया, यही रहती है यहाँ पे जब आप आओगे। आजकल जैसे मैंने आपको टेंट बताया ये सिर्फ आजकल लगे हैं 4-5 दिनों के लिए, बाकी जो ये कुटिया है ये इसी में रहते हैं यहाँ पे जो बाबा जी रहते हैं, ये देख सकते हैं आप। और इधर के साइड मंदिर है तो मंदिर में भी लेके जाएंगे आपको, अभी वहाँ पे पूजा वगैरह चल रही है। और ये व्यू है यहाँ का, ये देख सकते हैं आप। Hare 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 Hare
अभी आ चुका हूँ मैं काली माता जी के मंदिर में। ये देख सकते हैं, ये है काली माता का मंदिर। और इसके नीचे ही यहाँ से शिला है, यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं। यही है ना पंडित जी, मेन मतलब मंदिर यही है? अच्छा अच्छा, और नीचे शिला है? शिला है। तो अभी मैं मंदिर से दर्शन करके आ चुका हूँ, और ये जो मेरे बैक एंड साइड में आप देख रहे होंगे, ये मेरे यहाँ पे मैं रहा हूँ रात को। ये टेंट लगे हैं इधर पे, आजकल ही लगे हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रहा था। तो यहाँ पे कुछ माताएं हैं मेरे साथ बैठी हुई, जो कि इधर के ही हैं, इनका गांव इधर ही है नियर बाई, यहाँ पे जो नीचे वाले गांव। कोई जो गाँव माता जी तुम्हारा? हमारा गाँव रावलेंक। अच्छा रावलेंक। अच्छा रावलेंक गाँव को नाम? मंदेश्वर। अच्छा अच्छा, मधमेश्वर घाट। अच्छा तो तुम वे मतलब पहली बार आएगी, मतलब आने रहो लगी? ना ना, हम होने लगे हम हमें ऐसा ये जरूरत है हम लगे। अच्छा कल का बने तुम मंदेश्वर ये या कसन? अच्छा ये सामने सामने या खक तुम मंदेश्वर सामने बस रासी रासमाई। अच्छा अच्छा, ये जो सामने गांव देखनी है, यू मधमेश्वर? अच्छा एक्चुअली ये गांव है इनका, और यहाँ से ऊपर जहाँ पे बर्फ पड़ी है वो है मधमेश्वर। जाकी बर्फ पड़ी सु मधमेश्वर। अच्छा अच्छा, तो तुम तक का मतलब ते गांव का रास्ता? अच्छा अच्छा, घाटी तुम्हारी? तो एक पहली बार यहाँ आने रहो लगी तो? अच्छा तुम कहा थे बनी उत्तरकाशी वाले? कहा बनी तुम्हें उत्तरकाशी? बोला मन ना उत्तरकाशी देवी बोली देहरादून गई तुम मकान थे देहरादून। अच्छा अच्छा मकान थे तुम तो? अच्छा अच्छा अच्छा, त्यो मकान देहरादून देवी नाम से? अच्छा मैं तक बोल कोई देवी मतलब पालकी कोई डोली टाइप की? अच्छा डोली। अच्छा उत्तरकाशी डोली पागे? अच्छा उत्तरकाशी देवी दुई बुढ़ो है नाम था मु आमन बोले के बोलो उतरा काशी ठहना रे दियो। अरे वाह। छोड़ा हाली पाया हणो रे दियो पैता सारा वहगी रे दियो तेरा दियो का दियो हरी रे दियो कना प्यारा लगा दी रे दियो तेरे सोहबाना डोली रे दियो कना प्यारा लगा दे रे दियो तेरो पंचामुखी शंकर रे दियो कना प्यारा लगा दा रे दियो तेरा न्याजानिया रे दियो देहरादून है राज दहानी रे दियो तुन लियोना रे बासु रे दियो तेरी जहात राह गया रे दियो देसा का देसोहरी रे दियो क्यों माहू लग दा रे दियो यही राजा देहानी रे दियो तेरे जहात राह गया रे दियो ये दो दिया यहानी रे दियो तेरा भगत लोक रे दियो त्वे जागदा रे गया रे दियो। अरे वाह बहुत। दिवा बरात होना रे दियो माणिक जल होना रे दियो लखवाया बाली गया रे दियो दिवा बरात है गया रे दियो। अरे वाह बहुत बढ़िया। माली वो हो लू पूजा हरी रे दियो कने पूजा लगुना रे दियो। अरे वाह बहुत बढ़िया माता जी बहुत बढ़िया। तो ये था गढ़वाली, इन्होंने गीत तो भजन तो भजन तो भजन। अच्छा अच्छा अच्छा, गीत देवते पयेरी। अच्छा अच्छा पयेरी देवता गीत वा? ये तुम्हारा कुल देवता? ना ना, हम यमने बोला देव तुम। अच्छा अच्छा, हम तुम्हारा देवता मु बोले उत्तरकाशी देवता। अच्छा उत्तरकाशी देवता बोलता। अच्छा अच्छा, इन्होंने हमारे उत्तरकाशी में जो एक कुल देवता होगा एक जगह का, क्योंकि हमारा अलग अलग होता है भाई, हमारा तो रमाई में रुद्रेश्वर महाराज है, तो जहाँ का इन्होंने गीत गाया वो भी उत्तरकाशी का ही किसी जगह का कुल देवता होगा ना? कुल देवी जमान फागे कुल देवी। अच्छा कुल देवी, सब माफी चाहूंगा। तो बहुत अच्छा गीत गाया माता जी ने। बाकी तुम कहा नहीं बल तुम्हारो यू बॉन? अच्छा अच्छा, यू बॉन मतलब दो साल से हमारे यहाँ। अच्छा तो तुम
अच्छा अच्छा जंगल देव दर्शन करके आएगे। अच्छा तो तुम ये थुल बैठिया कि हमारे जंगल देख जाओ। अच्छा अच्छा अरे चलो बहुत बढ़िया ले आनंद तो बहुत बढ़िया का बढ़िया नजारा देखने सामने कण बोला बोलो अब मन में स्वर गाता था ना अपने मजे होंगे लोग हम है। अच्छा हिंदी में आ जाओ कहीं बोल के तो हिंदी में बोलल था हमारे जो जनता ना से भी हिंदी समझो अगर ना जानते बोल कोई बात नहीं तो गढ़वाली माँ बोलो मत जान जाओ बोल के हाँ बोलो तो हिंदी में बोलो कहा बोल तुम क्या बोल रहे आप। अरे मन में स्वर गाते बोला हम बोले। अच्छा चलो कोई बात नहीं वो हिंदी नहीं समझ बोल पाते हैं तो गढ़वाली में ही बोलो। हाँ कोई बात नहीं बोलो बोलो गढ़वाली में। हाँ कोई बात नहीं कहा भी नहीं तुम मधमेश्वर घाटी का। अच्छा अच्छा मधमेश्वर बाबा। अच्छा मधमेश्वर बाबा का तक कोई जो मंदिर तक है जो कोखड़ी गोल मंदिर कसा मंदिर छह महीना तो मंदिर को खया खन देखे ना मंदिर। अच्छा मतलब ना जख बर्फ पड़ी तक बर्फ पड़ी। अच्छा वहाँ पे बर्फ पड़ रही वैसे कैलाश मतलब पर्वत ना दिखे ना कोई जो पर्वत फंसो मंदिर शिव जी का ना तो इधर इधर ही साइड है नीचे गांव दिख रहा वहाँ से ऊपर ही साइड है। हाँ बिल्कुल 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 मधमेश्वर यात्रा माता जी को बोल रहे थे यात्रा खुले ना पट खुलोल जाए क्या पट खुलोल मधमेश्वर पट खुलोल तो अभी जाए बिल्कुल 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 वो बोल रहे मेरे को कि आप भ्रमण पे हो तो वहाँ पे भी जाना मधमेश्वर वो उसका आपने समझ लिया होगा थोड़ा थोड़ा उसका कि 6 महीने उखीमठ में शीतकालीन समय में वहाँ पे रहता है जैसे जहाँ पे केदारनाथ का रहता है और जब कपाट खुलेंगे हाँ जी हाँ जी जून में जाने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे जाना जब कपाट खुलेंगे बिल्कुल बिल्कुल चलो ठीक माता जी बहुत बढ़िया केदारनाथ हाँ सही बात है बिल्कुल। अच्छा जब ना मकरान होनी। अच्छा मकरान उतरान मतरान होनी ना। अच्छा जोगी कुम लगद। अच्छा कुमो मेल हरिद्वार में हरिद्वार में हरिद्वार में तो जाना 9 लाख कांगड़ा। अच्छा अच्छा ये सब जोगी शिव जी का सन्यासी जाना विष्णु बैराई जाना। अच्छा तो जोगी बोल वाला कुम को छोल पहले ये कुम को नहीं होलो। अच्छा अच्छा तो तब तो बोल वाला लड़ाई उष्टी वाल जोगी था तब बोल वाला के शिव जी का सन्यासी बदा जोठो को मारो। अरे वाह विष्णु का बहरागी बदा जोठो को मारो जोगी जोगी लड़ा बाबा चे माटा तोड़िया जोयो ताई पढ़िया बाचे माटो की मारा गुरु जी गोरख बाबा मुख मैनो बोलदा गुरु जी गोरख बाबा मुख मैनो बोलदा। अच्छा फौजी के बारे में कहा तुम बनी बोलो बोलो फौजिल तो तुम बनी एक नहीं। पता ना मतलब एक छोरा सी तुम मत बनी बोलो फौजी बल का बल रसो नहीं देख बारे में बता दो थोड़ा। अच्छा अच्छा फौज मांगा। अच्छा छोटी। अच्छा लाड़ी बार फोन गए बुढ़ बुढ़े गौर छोटे। अच्छा बुढ़े तो कुछ कन बोने आए बुढ़े रात गाना लगाए बुढ़े गाना लगाए फौज बारा मांगे। अच्छा फौजी बेटा जायो वो लो ले लद्दाख अरे वाह फौज की बारी घूमनी होली डेरा दोने मा छोटो छोटो मा बैठी ताई जल्दी मजाक बचपन मा मैंने बेटा दूध पिलाई बहुत बढ़िया तब माँ भी बेटा तोई दया आई कि आप जमाना मैन गुरु में सा पाया गुरु में सा पाया मैना घो दूध खाई आजा का जमाना बुआरी पोडर नहीं पाई। अच्छा यू फौजी फौजी के बारे में तो जो माताजी ने अभी गाना गाया है दो गाने एक तो भजन था भजन तो ना माताजी सो या गीत है तो बोलता। अच्छा अच्छा तुम अब बोलो एक भजन। चलो चलो तेती बात जो इन्होंने गाया है उसके बारे में बता दूं एक तो इन्होंने गाया है
कि क्या बोलते हैं शंकर भगवान के बारे में जो कुंभ मेला लगता है, गढ़वाली भजन है, आपको शायद समझ आया होगा, नहीं आया होगा जो गढ़वाली है उसको आया होगा समझ, और हमारी वाली जो उत्तरकाशी वाली गढ़वाली है रवाई वाली वो थोड़ा अलग है, उनको भी पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, बट जो इधर वाले गढ़वाली हैं उनको सभी को समझ आ गया होगा। दूसरा गाना गाया माँ जी ने कि एक लड़का जाया रहता है फौज में होता है, उसकी मम्मी होती है क्या बोलते एजेड मतलब है ना बूढ़ी माँ होती है घर पे होती है, तो वो गाना गाती है अपने बच्चे के लिए, तो वो फौज में होता है लेह लद्दाख, तो ये थे गाने का मतलब। बाकी माता जी तुम कई भजन गानी गाओ तुम? चल कोई बात नहीं, चल बोलो 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 कोई बात नहीं। रे तो माँ को रे तो बाड़ो, रे तो माँ बेचे ते बाड़ो, फोलो माँ को फूले बाड़ो, फूले माँ बूरा से बाड़ो, मैनो माँ को मैनो बाड़ो, मैनो माँ बे सागे बाड़ो, देवी माँ को देवी बाड़ो, देवी माँ माँ देवी बाड़ो, मैनो माँ को मैनो बाड़ो, मैनो माँ बेचे ते बाड़ो, फूलो माँ को फूले बाड़ो, फूले माँ गुलाब बाड़ो, फूलो माँ को फूले बाड़ो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया भजन गाई तुम्हें। और ये अभी हूँ मैं क्या एक तो तुम अब गाला तुम शर्मा नहीं बहुत मतलब असुविधा नहीं, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी हूँ मैं काली शिला में जो कि काली मठ में पड़ता है, ये काली मठ पड़ता है आपके रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक ना तुम्हारा ऊखीमठ ब्लॉक में पड़ता है ये, जहाँ पे भगवान शंकर की 6 महीने तक शीतकालीन में डोली रहती है, और यहीं से मधमेश्वर भी दिख रहा है अभी सामने, ये देख सकते हैं इधर साइड है मधमेश्वर, ये जो आपको दिख रहा होगा सामने जो बुग्याल टाइप का बर्फ का ये वाला मेरी अंगुली के सामने उधर पे, और इधर पे बुरांस के पेड़ है, ये सारी यहाँ से काफी शानदार व्यू दिखता है, देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक माता जी है, धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय अभीष्ट तिहारो गुण जागर, राम दूत अद्वित बलधामा, अंजन पुत्र वंशज नामा, वीर विक्रम बजरंगी, मणिराज मति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसर, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कंधे मूल शंकर सुमन केसरी नंदन, देह पटल जगवंदन, विद्या मुनि अतिचार राम काज कर देखो, आतुर प्रभु चरित्र सुनि देखो, रसिया राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दर्शिया दिखा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के कासारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सुर लाए, रघुपति कीन्ह बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत समाए, सहज वदन तुम रोज सजावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, अधिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित साजम कुबेर दिकपाल कहाँ दे, कवि कोविद कर छकुं कहाँ दे, तुम उपकार सुग्रीव की नारा लाए राजपद दी, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पर सब जग जान, जुग सहस्त्र जो जन परवाना। ताली बजाओ सभी, क्लैपिंग सुनाओ 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 सुनो सुनो सुनो। या ऐसे ऐसे बोल रहा था मैं आपको, शुक्ला
सतदार पाठ कर कोई लूटे बंदी मान कोई जो पाठ पढ़े मान चली साहु सिद्धि साधी साधु सीधा सदा हरि जय राखी जय नाम हृदय माने पवन तनय शंकर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सई हृदय बड़ सुरभूत बोल सिया बोल रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की जय अम्बे माता की नमः पार्वते हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? गुड नेम आपका नाम क्या है? सबसे पहले अंशिका। आगे अंशिका राणा। अंशिका राणा आपका? आचार्य राणा। आप दोनों बहने बहने हो इसलिए सेम शक्ल लग रही है और आप दोनों को याद है पूरी, है ना? बहुत बढ़िया। और आपका आपको भी आपका नाम असली रावत। और आपका? सोनाक्षी रावत। अच्छा, ये जो जितने भी चार लड़कियां बैठी थी इनको पूरी याद है। ये लड़की हेल्प के लिए बैठी थी। सभी लोग ऐसे, सभी बच्चे अच्छे हैं, बट बहुत अच्छा सुनाया आपने हनुमान चालीसा। वाह। और आगे इनको भी सिखाना, जो लोग जिनको आती है नहीं ना, इनको भी सिखाना आपने। ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट गॉड मम्मी डैडी, सेकंड गॉड गुरु, एजुकेशन वर्किंग यानी गुरु, थर्ड पार्वती परमेश्वर गॉड। ओके, नेक्स्ट योर फ्रेंडशिप में 10 नंबर्स चेक करो, बेस्ट फ्रेंड में। ओके, चेक करो मनी एक्सपेक्टेड फ्रेंड नो फ्रेंड, योर हेल्पिंग में ओनली वन फ्रेंड, यू चेक करो सी करो समझे। ओके, तो ये स्वामी जी है, ये है एक्चुअली आंध्र प्रदेश के। शाम के 6:30 हो चुके हैं और अभी मंदिर से पूरी धूप जा चुकी है, सनसेट दिख रहा है अभी। यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, अभी सनसेट हो ही रहा भाई, देखो हो ही गया अभी, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं शिला में जाता हूँ नीचे, वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ इसका अच्छे तरीके से। ये मंदिर है पीछे वैकेंट साइड में और सनसेट मुझे लगता है हो ही गया जब तक मैं नीचे जाऊँगा। काफ़ी शानदार व्यू है। कल यहाँ पे थोड़ा भीड़ थी क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा शाम तक अभी है नहीं। ये देखो सनसेट का व्यू भाई, यहाँ से दिख रहा है, अभी हो ही रहा सनसेट, पूरा हो ही गया वैसे, सन तो डूब गया पूरा, थोड़ा सा बचा हुआ। अब मैं आगे जाके ये देखो, ये शिला है पूरी काली शिला, इसमें आगे चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ व्यू इसका। देखो सनसेट तो पूरा कंप्लीट हो गया प्रॉपर। और ये नीचे का व्यू मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इसका। यहाँ पे माता जी की मूर्ति है। ओ भाई नीचे देखना ही नहीं पड़ता यहाँ से, ये देख सकते हैं हवा से भी भाई, यहाँ पे हवा के भी बहुत तेज झोंके आते होंगे और हवा के झोंके अगर बहुत तेज आ गए तो बंदा सीधे नीचे, ये देख सकते हैं आप, नीचे ऐसी खाई है बिल्कुल पूरा। और ये वाला व्यू देखो आप इधर से, वाह क्या नजारा है यार भाई, पूरा 360 व्यू। अभी थोड़ा बादल आ रखे हैं, नहीं तो वो पूरा दिखता जो पहाड़ियां है ना। ये देखो इधर से सन अभी छुप गया। वैसे तो इधर हर जगह व्यू पॉइंट है बट यहाँ से जो व्यू पॉइंट है इसका काली शिला भी यहाँ से पूरी दिखती है। और वहाँ यहाँ से जो नीचे का व्यू है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये है कि खड़ा रहने के लिए अच्छा है, इसके ऊपर तो खड़ा ही नहीं जाता भाई, डर लगता है बंदा फिसल जाएगा नीचे सीधा। और इधर का भी डर है क्योंकि हवा बहुत तेज बह रही है अभी, तो बंदा उधर भी जा सकता है। और यहाँ से देखो जैसे ही मैं आया यहाँ पे, देखो भाई साहब क्या नज़ारा यार, क्या नज़ारे, जय माँ काली जय भद्रकाली। मैं तो एक्साइटेड ही इतना हो गया भाई कि इस व्यू को देख के। ये ऊपर मंदिर है ये देखो,